हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं सरिता झा, आपकी बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच। और आज का जो ये वीडियो है, एक बहुत ही खास वीडियो है जहां मैं आपसे बातें करने आई हूँ सीरम को लेके, फेस सीरम। फ्रेंड्स, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो सीरम का इस्तेमाल तो करते हैं, बट सीरम का जो प्रॉपर इस्तेमाल होता है वो उन्हें नहीं पता होता। वो डायरेक्टली सीरम लेते हैं और वो बगैर किसी डे और नाइट क्रीम के सीरम का यूज कर लेते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि सीरम का इस्तेमाल एक्चुअली हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सो सीरम जो है वो बेसिकली होता क्या है। सीरम जैसे आप पत्तों को निचोड़ते हो ना, नेचुरल पत्तों को जब हम निचोड़ते हैं तो आपने देखा होगा बहुत पतला सा रस आता है, नेचुरल सा पतला सा रस आता है पत्तों का। सीरम जो होता है कुछ उतना ही प्योर होता है, राइट? एंड सीरम वाटर बेस्ड होता है। तो सीरम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, लाइक जैसे डे और नाइट क्रीम के पहले जब हम सीरम लगाते हैं ना, क्लिंजिंग टोनिंग आई क्रीम के बाद हम सीरम यूज करते हैं। सीरम आपके स्किन में डीप नॉरिश करता है, राइट? और काफी डीप तक जाके आपके स्किन को नॉरिशमेंट पहुंचाता है। सो सीरम के बाद, आफ्टर सीरम जब हम कोई डे और नाइट क्रीम लगाते हैं तो उसका जो नॉरिशमेंट होता है वो भी सीरम की तरह ही काफी डीप तक नॉरिश कर पाता है आपके स्किन को। That's why सीरम के बाद जब आप डे और नाइट क्रीम लगाते हैं तो आपके डे या नाइट क्रीम की जो इफेक्टिवनेस है वो डबल हो जाती है। यानी कि अगर हम बगैर सीरम किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइक हमें 40% 50% जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अगर हम सीरम लगाने के बाद कोई डे या नाइट क्रीम लगाते हैं तो हमें उसका जो रिजल्ट है वो 90% तक मिलता है। ये बेसिक है सीरम का कि सीरम हमें लगाना क्यों चाहिए। एंड सीरम को कभी भी डायरेक्टली अकेले यूं छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है, सीरम के बाद जरूर हमें नाइट क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। अब कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि सीरम की क्या जरूरत है, तो सीरम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सब अपने बच्चों को दूध देते हैं या घर में दूध पीते हैं। तो आपने देखा होगा कि दूध अपने आप में एक कंप्लीट फूड होता है, उसके बाद भी दूध में हम लोग कॉम्प्लेन डालते हैं। क्यों? क्योंकि उससे दूध की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जस्ट लाइक वैसा ही है आपके स्किन केयर रूटीन में, अगर आप सीरम को ऐड करते हैं तो ये आपकी डे या नाइट क्रीम की जो इफेक्टिवनेस है उसको इन्हांस करता है, आपके स्किन का बूस्टर है, आपके स्किन को बूस्ट करता है, आपके स्किन की नॉरिशमेंट को बढ़ाता है एंड डे और नाइट क्रीम के इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है काफी ज्यादा। अब अगर मैं सीरम की बात करूं तो सीरम काफी तरह के होते हैं, जैसे ये है आपका राइज एंड ग्लो, ये आपके स्किन में ग्लो लाने के लिए है। ये है इवन आउट का सीरम, जो आपकी स्किन के जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको रिमूव करने में आपकी हेल्प करता है और उन प्रोडक्ट्स की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। ये है क्लियर व्हाइट का सीरम, और एक बहुत ही फैंटास्टिक सीरम है जिसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, ये है एंटीऑक्सीडेंट का इंस्टेंट बूस्टर सीरम। अगर आपको कहीं जाना है, कहीं शादी पार्टी, कहीं बाहर जाना है और आपको लगता है कि इंस्टेंट आपकी स्किन थोड़ी सी बूस्ट होनी चाहिए, तो ये जो है ये इंस्टेंट बूस्टर है और आप देखेंगे कि ये इस तरीके के ड्रॉप में है। सो यूं देखो, जस्ट अपनी क्रीम के साथ आप इस वन ड्रॉप को, एक से दो ड्रॉप आप लेंगे, ये बिल्कुल पानी की तरह है, बिल्कुल पानी की तरह आप देखें। सो अपनी क्रीम के साथ एक या दो ड्रॉप इसमें डालेंगे एंड हम अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे एंड आपकी स्किन को तुरंत बूस्ट भी मिलता है। एंड उससे भी बड़ी स्पेशलिटी है कि ये है एंटीऑक्सीडेंट सीरम, यानी कि ये आपके स्किन में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है एंड साथ ही साथ आपके स्किन को बूस्ट भी करता है। सो आई होप सीरम के बारे में ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज मैं टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स, बिजनेस, लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों को लेकर के वीडियोस आती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।